गाइज, हमें पता है कोई भी दो इंसान सेम नहीं होते क्योंकि उनके लाइफ के एक्सपीरियंस कभी सेम नहीं होते हैं। तो हमें पता है हर कोई इंसान है ना सेम लेवल पर, सेम टाइम पर और सेम तरीके से हील नहीं कर सकता। इसलिए गाइज हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी जेंटल ऑन योर सेल्फ। सेकेंड वन इज डू नॉट जज योर सेल्फ। थर्ड वन इज गिव योर सेल्फ परमिशन टू चेंज। फोर्थ वन इज डू नॉट प्ले विक्टिम रोल, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। तो गाइस, अगर आप शैडो वर्क करना चाहते हैं ना, तो कोई भी एक सिचुएशन को पिक कर लीजिए जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी शैडो हो सकती है। तो गाइस, उन सिचुएशन को समझिए कैसे वो आपकी लाइफ को हर्ट कर रही है, आपको स्टक करके रख रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये सिचुएशन आपको कहाँ लेके जा रही है, क्यों ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो अगर आप इन सिचुएशन का इंट्रोस्पेक्ट करने लगेंगे, अगर आप ये जानेंगे कि ये सिचुएशन कैसे आपको फंसा के रख रही है, तब आपको ना इन सिचुएशन पे गुस्सा आना स्टार्ट होगा। एल्स आप विक्टिम ही प्ले करते रहेंगे, आपको इन सिचुएशन से डर ही लगता रहेगा। लेकिन जब तक आप ये नहीं देखेंगे कैसे आप आपको जकड़ के रख रही है, बांध के रख रही है, आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होने दे रही, अट्रैक्ट नहीं करने दे रही, तब तक आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। इसलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी सिचुएशन जो आपको स्टक करके रख रही है ना, उसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। और आपको इतना गुस्सा आना चाहिए उस सिचुएशन पर कि आप एम्पावर्ड हो जाएं एक चेंज लाने के लिए। क्योंकि एंगर की जो भी वाइब्रेशन होती है ना, वो फियर की वाइब्रेशन से बहुत ज्यादा होती है। जब तक आप विक्टिम प्ले करते रहेंगे, बहुत फियर में रहेंगे ना, कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन जब आपको अपनी लाइफ से गुस्सा आने लग जाएगा ना, आपको बहुत ज्यादा एंगर आने लग जाएगा ना, आप उस टाइम एम्पावर्ड हो जाएंगे क्योंकि आपकी वाइब्रेशन फियर की वाइब्रेशन से तो रेज हो चुकी है। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है डीपर लेवल इंट्रोस्पेक्शन ऑन आवर अबैंडनमेंट वूंड। तो गाइज, अबैंडनमेंट वूंड सबसे ज्यादा कॉमन वूंड है। ये हर इंसान ने कभी ना कभी तो जरूर फेस किया होगा, स्पेशली जब हम चाइल्डहुड में, हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे पेरेंट्स या फिर जो हमारे केयर गिवर्स थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे चाइल्डहुड में, उन्होंने हमें फिजिकली छोड़ दिया होता है या फिर वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, तो हम हमारे माइंड में ना कुछ चीजें इनग्रेन कर लेते हैं। जैसे शायद मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, शायद मैं इतनी वर्दी नहीं हूँ कि वो मुझे अपनी अटेंशन दे, या मैं उनके पास रह सकूँ या वो मेरे पास रह सके, या फिर समथिंग इज रॉन्ग विद मी। तो गाइस, ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में हुआ जब मेरे साथ अबैंडनमेंट हुआ था। लेकिन मैं उस वूंड से ना इतनी कॉन्शियस नहीं थी, लेकिन मैंने अपने पैटर्न्स को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने देखा कि मैं कुछ लो वाइब पैटर्न्स को बार बार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मैंने उनको समझना स्टार्ट कर दिया। ये पैटर्न्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिव थी। कुछ भी चीज होती ना, मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लग जाती। सेकेंड थिंग इज मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। अगर कोई मुझे फीडबैक दे देता ना, थोड़ा सा भी बुरा फीडबैक दे देता मेरे अकॉर्डिंग, तो ना मुझे बहुत हर्ट कर जाता। तो मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी थी, मैं बहुत ज्यादा जज करती थी, मैं बहुत ज्यादा जेलेसी में थी। फोर्थ थिंग इज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने नोटिस की, कि मैं ना कई बार पीपल प्लीजिंग करती थी, चीजों को ओवर एक्सप्लेन करना जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता, इस टाइप की चीजें मैं पीपल प्लीजिंग करती थी। और इसकी वजह से ना मैं अपनी लाइफ में एक बहुत लो बाउंड्री मेंटेन की हुई थी। जब मेरी बाउंड्री स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी आके कुछ भी करके जा रहा है और मैं विक्टिम प्ले कर रही हूँ। तो गाइस, जैसे ही मैंने इन पैटर्न्स को नोटिस किया ना, तो मैं फेड अप हो गई कि यार ये बार बार ऐसे आ रहे हैं, मैं इन चीजों को अपनी लाइफ में नहीं होने देना चाहती क्योंकि मुझे स्टक करके रख रही है। मुझे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। कौन अपनी लाइफ में वापस से ड्रैग बैक होना चाहता है। तो जब मैं बहुत परेशान हो गई ना इन सिचुएशन से और इस टाइप के प्रॉब्लम से, तब तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। और मुझे अपनी इन पुरानी सिचुएशन से ना बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया, मैं बहुत परेशान रहने लग गई इनसे।
तो गाइस जब मैंने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे अपनी लाइफ में चेंज लाना है, तो मुझे ना शैडो वर्क के बारे में पता लगा और मैंने शैडो वर्क किया ना, तो मुझे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मिला अपनी लाइफ में, बहुत सारे ब्रेक थ्रूज मिले जिससे मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। तो गाइस होता क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। गाइस जब भी हमारे साथ कोई ट्रॉमा होता है, स्पेशली हमारे चाइल्डहुड में, तो जब हमारे साथ वो ट्रॉमा होता है ना, तो हमारा माइंड इंस्टेंटली उस सिचुएशन पर एक स्टोरी क्रिएट कर लेता है, उसको एक मीनिंग दे देता है। जैसे कि बच्चे सोच लेते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, आई एम दिस, आई एम दैट, इस टाइप की एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं। तो उस सिचुएशन में जब भी ट्रॉमा होता है ना, तो हमारी साइकी क्या करती है, वो पार्ट जो ट्रॉमा को फील कर रहा होता है ना, उसको डिसोसिएट करके हमारे शैडो स्पेस में डाल देती है, ताकि हमें बार बार ये हर्ट और पेन फील ना हो। जब तक हम इन चीजों को रिकॉल करते रहेंगे, हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में हर्ट और पेन आता ही रहेगा। तो एक्चुअली हमारे साथ ये ट्रॉमा अच्छा ही हुआ होता है कि वो पार्ट हमारा डिसोसिएट करके शैडो में डाल दिया जाता है, लेकिन जो पार्ट शैडो में जाता है ना, वो पार्ट अपनी आइडेंटिटी के साथ शैडो में जाता है और वहां जाके फ्रीज हो जाता है। वो आइडेंटिटी क्या थी, वो आइडेंटिटी थी जो हमने मीनिंग अटैच कर लिया उस सिचुएशन के साथ। सपोज कि किसी बच्चे के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, तो उस टाइम उसकी साइकी उस ट्रॉमा के साथ कोप करने के लिए तैयार नहीं थी ना, तो उस टाइम उसने मीनिंग अटैच किया कि शायद मैं अपने पेरेंट्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, शायद मेरी वजह से वो डाइवोर्स ले लिया उन्होंने या मुझे छोड़कर चले गए। तो ये स्टोरी है ना डिसोसिएट होकर हमारी शैडो स्पेस में चली जाती है और वहां जाकर फ्रीज हो जाती है। इट्स लाइक कि एक पार्ट है जो फ्रीज हो गया है, लेकिन वो लिविंग और ब्रीदिंग पार्ट है, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ऐसा ही एक एस्पेक्ट है हमारे इनर चाइल्ड एस्पेक्ट। ये जो एस्पेक्ट शैडो में गया है ना, ये हमारा इनर चाइल्ड एस्पेक्ट है जिसकी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन वो हमारा ही पार्ट है क्योंकि हम अनकॉन्शियस हैं, क्योंकि वो अनकॉन्शियस स्पेस में है ना, तो हम इस चीज से ना अवेयर नहीं है, हम इस चीज के कॉन्शियस नहीं है, लेकिन वो है तो हमारा ही पार्ट। तो टाइम टू टाइम हमें पता है हमारी शैडोज हमेशा ट्रिगर होती रहेंगी जब तक कि वो हील ना हो जाए, जब तक कि हम इनको इंटीग्रेट ना कर लें। तो गाइज अगर आपने वो मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है कि ट्रिगर्स आर टीचर्स, तो गाइज प्लीज उस वीडियो को पहले जाकर देखना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना गाइज। तो गाइज अगर हम अनकॉन्शियस होते हैं और फिर हम ट्रिगर हो जाते हैं, तो हमारे शैडोज तो हिट होती ही है, लेकिन हम उन शैडोज तक जा नहीं पाते क्योंकि हम अनकॉन्शियस हैं। ये जो अनकॉन्शियसनेस है ना, ये एक वॉल की तरह है जो हमें शैडो तक नहीं पहुंचने देती, लेकिन हम बार बार उस सिचुएशन को लेकर रिएक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे अपने रिएक्शन देने लग जाते हैं। सपोज कोई शैडो का पार्ट अगर ट्रिगर हो जाता है ना, तो हम दूसरों से लड़ने लग जाते हैं, दूसरों की तरफ उंगली उठाने लग जाते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, दूसरों पर चीजें थोपने लग जाते हैं, सिचुएशन को छोड़कर भाग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, वहां से एग्जिट करना चाहते हैं, इस टाइप के ना हम वियर्ड रिएक्शन दे देते हैं और वहां से छूट भागते हैं, उस सिचुएशन से छूट भागते हैं। दूसरे तरीके से अगर हम उसी सिचुएशन में कॉन्शियस रहें, अगर हमें ये पता हो कि ट्रिगर्स कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ समझाते हैं, हमें टीच करते हैं, तो हमें पता लगेगा उस ट्रिगर के पीछे एक शैडो है। अगर हमें ये पता रहेगा ना, तो हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। अगर हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो वियर्ड रिएक्शन नहीं देंगे, हम चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम रेस्पॉन्स देंगे और हम समझेंगे ये चीज हुई थी तो क्यों हुई थी, ऐसा मेरा कौन सा पार्ट है जो ट्रिगर हो गया है। ऑब्वियसली जो ट्रिगर हो गया है वो अगर शैडो है, तो मुझे उसको हील करना है, इंटीग्रेट करना है। गाइज आई पर्सनली बिलीव कि हमारे पास हर मोमेंट पर ना चॉइसेस होती हैं, हम
कुछ भी कभी भी चूज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं अपनी सिचुएशन से फेड अप हो गई थी ना, तो मैंने चूज कर लिया था कि अब मैं इन सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखूंगी, क्योंकि मैंने इस पर्सपेक्टिव से हमेशा देखा है और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला ना, तो ऑब्वियसली इस तरीके से मैं इस चीज को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकती। तो मुझे एक दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा इन चीजों को समझने के लिए। गाइस, क्योंकि हमें पता है हमारा इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्शन होता है हमारे आउटर वर्ल्ड का, तो जो भी हमारे आउटर वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है ना, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये सर्कमस्टांसेस हम हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में हमें बहुत आसानी होती है अगर हम ये जान लें कि ये चीजें सिर्फ हमारी वजह से हो रही है, ऐसा कुछ है हमारे अंदर जो इस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो गाइस, अगर किसी सिचुएशन में हम स्टक हैं या हमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, तो हमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, हम कॉन्शियस माइंड में जाते हैं। तो नंबर वन क्वेश्चन है कि मैं क्यों ट्रिगर हो रही हूँ इस सिचुएशन में, और इस ट्रिगर के पीछे ना क्या हो सकता है, कौन सा वूंड हो सकता है, कौन सी शैडो हो सकती है। नंबर टू, मैंने इस एक्सपीरियंस में कौन सी स्टोरी क्रिएट कर रखी है, क्योंकि हमें पता है हमारा ईगो माइंड कोई भी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो हर चीज के पीछे एक स्टोरी क्रिएट करके रखता है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि मैंने इस एक्सपीरियंस के पीछे ना क्या स्टोरी क्रिएट कर रखी है। नंबर थ्री इज, अगर ये स्टोरी ट्रू नहीं है तो रियलिटी क्या है, क्योंकि हमारा ईगो माइंड बहुत आसानी से स्टोरी क्रिएट कर लेता है, ताकि हम इस स्टोरी और उस ट्रिगर, स्टोरी और ट्रिगर के लूप में फंसे रहें और हम शैडो तक ना पहुंच पाएं। इसलिए हमें रियल ट्रूथ को देखना पड़ेगा, रियल ट्रूथ क्या है वो समझना पड़ेगा। नंबर फोर, अगर ये स्टोरी ट्रू नहीं है तो हमारा ट्रूथ क्या है, एक्चुअली हमारे साथ हुआ क्या था। मेरे बचपन का एक्सपीरियंस मुझे याद करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा अपनी मेमोरी पर जोर डालना पड़ेगा कि एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या था। गाइस, अगर आप ये प्रॉम्प्ट्स करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे पीसेस मिलेंगे जिनको आप ज्वाइन करके ना आप अपने वूंड तक पहुंच सकते हैं। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपना इनर वर्क करना है, तो मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन किए थे और डॉट टू डॉट ज्वाइन करके अपने रूट कॉज तक, अपने वूंड तक पहुंची थी। गाइज, मुझे अपनी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज बैक मिल गई जब मैंने अपना इनर वर्क करना स्टार्ट किया, जब मैंने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट किया। क्योंकि हमारे साइकी को पता होता है कि अब ये वो बच्ची नहीं है जो कि ट्रॉमा के साथ कोप नहीं कर सकती, अब ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, अब ये अवेयर है, अब ये कॉन्शियस है। गाइज, एक्चुअली हमारी अवेयरनेस, हमारा परसेप्शन, हमारी ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये एक वेजल की तरह है, जिसमें कि वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी कॉन्शियसनेस पोर होने लग जाती है जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए अगर एक तरीके से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है ना, तो अपना परसेप्शन हमें थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए, हमारी अवेयरनेस को और थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत सारे हिंट्स, बहुत सारे क्लूज, बहुत सारी हेल्प मिलने लग जाएगी हमारे इनर वर्क में। गाइस, पहले हम तैयार नहीं होते क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी ज्यादा केपेबल नहीं होती उस सिचुएशन को कोप करने में, इसलिए हमें ये मेमोरीज मिलती नहीं है। लेकिन जब हम तैयार हो जाते हैं, हम रेडी होते हैं, हम इन यूनिवर्स में शो करते हैं कि यस, मैं अपना इनर वर्क करने के लिए तैयार हूँ, यस, मैं अपना शैडो वर्क करने के लिए तैयार हूँ, यस, मैं अपने डार्क पार्ट्स को देखने के लिए तैयार हूँ, उनको अनकवर करने के लिए तैयार हूँ, तो गाइज हमें बहुत सारी हेल्प मिलने लग जाती है यूनिवर्स से। हमारा काम है जो भी चीजें हमारे अनकॉन्शियस में पड़ी है ना, उसको कॉन्शियसनेस में लाना। जैसे ही हम अनकॉन्शियस पार्ट को कॉन्शियस में ले आते हैं ना, ऑलमोस्ट हमारा हाफ वर्क है ना, वो खत्म हो जाता है। अगर हम हमारे वूंड तक ये प्रॉम्प्ट्स करके पहुंच जाते हैं ना, उस पेन को, उस हर्ट को रियली जो सिचुएशन थी उसी के अकॉर्डिंग समझने लग जाते हैं, हम सिचुएशन को वापस से फील करने लग जाते हैं, हम हमारे इमोशंस को वापस से फील करने लग जाते हैं। तो गाइस, जितना हम फील करते हैं ना, हम उतना ज्यादा हील करते हैं, हमें उन सिचुएशन को
वापस से फील करना पड़ेगा, उन इमोशंस को हमें वापस से फील करना पड़ेगा, हम बहुत आसानी से हमारे वूंड को हील कर पाएंगे। हम बहुत आसानी से जो स्टोरी हमारे माइंड ने क्रिएट कर दी थी, जो कि अनट्रू थी, हम उसमें ट्रूथ देख सकते हैं कि एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ था, एक्चुअली हमारे पेरेंट्स हमसे अलग क्यों हो गए थे, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम रही होगी, क्या उनकी सिचुएशन रही होगी जो जिसकी वजह से हमें ये अबैंडनमेंट वूंड मिला है या फिर कोई भी वूंड मिला है। तो गाइस जितना हम ट्रूथ देखेंगे, जितना हम इनर वर्क करेंगे ना, उतना ज़्यादा हम खुद को हील करते जाएंगे। सो गाइस कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।